चिराग पासवान के बना दीजिए। चौथी फेल प्रधानमंत्री बन सकता है तो नौवीं फेल काहे नहीं मुख्यमंत्री बन सकता है? दिक्कत नहीं है, काहे नहीं दिक्कत है? एक समय में रामविलास जी चाबी लेके भागे थे दिल्ली, और ये बेटा कर रहा है हनुमान बन के घूम रहे हैं। चिराग वही बना दीजिएगा कार चिराग पासवान भैया। तेजस्वी यादव से क्या दिक्कत है? वो मुख्यमंत्री लाख नहीं है, वो भैंस से चलाएंगे और कुछ नहीं चलाएंगे, बस सुधार के लिए। तो जैसे मानसिक चमक रहा है तेजस्वी यादव का चिराग का, जैसे राइट यहाँ चिराग पासवान नहीं होंगे? नहीं, कोई कीमत पर नहीं होंगे। पसंद तो तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव जी, चिराग पासवान नहीं। तो फिल्म सिटी खुलेगा राजगीर में, अब पार्ट टू निकलेगा, लहरों की कटुआ छमक छलो रानी वाला गाना पार्ट। चौथी फेल है मोदी जी, मोदी जी चाय बेचे प्रूफ दिखा सकते हैं जो आप लोग बोलते हैं कि मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री। बिहार के दो युवा चेहरा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तो वो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। जी हाँ, बात करेंगे कि 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार की जनता किसे चाहती, यानी दो चेहरा है सामने, दोनों युवा चेहरा है, एक तरफ चिराग पासवान तो एक तरफ तेजस्वी यादव। जनता है, जनता से हम जानते हैं। क्या कहिएगा चाचा मुख्यमंत्री? चिराग पासवान के बना दीजिए, गरीब का रेखा में आपका चले। हाँ, चिराग पासवान जी बढ़िया रहेंगे जी। हाँ, काम करेंगे बहुत बढ़िया जी। हाँ, उनको है कि नहीं 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 चिराग दिक्कत है? नहीं नहीं यार, वो देखते हुए ये लालू जी भी रहे, सब रहे, सब कोई बाकी ना कुछ चिराग वही बना दीजिएगा कार रह बस चिराग पासवान। हाँ, मुख्यमंत्री। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? चिराग पासवान भैया, तेजस्वी यादव से क्या दिक्कत है? वो मुख्यमंत्री लायक नहीं है, मुख्यमंत्री लायक नहीं है, काहे? क्योंकि चिराग पासवान जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, इंजीनियर है, ये नवा फेल है, मैट्रिक पास नहीं कर पाए हैं, वो कहाँ से मिले? मैट्रिक का नवा फेल है, मैट्रिक कहाँ पास किए? मैट्रिक के पास ही नहीं हुआ तो मैं कहाँ पास करेंगे? वो नहीं चाहिए मुख्यमंत्री। मतलब आप चाह रहे हैं कि चिराग पासवान, चिराग पासवान आए बस बिहार को सुधारेंगे, वही तेजस्वी यादव से आपको उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, वो भैंस से चलाएंगे और कुछ नहीं चलाएंगे, बस वो चिराग पासवान में बढ़िया है। मुख्यमंत्री के लायक चिराग पासवान, मुख्यमंत्री के लायक चिराग पासवान और कोई नहीं? और कोई नहीं तो सभी विभाग में कोई नहीं है। बताइए तेजस्वी चिराग में बेहतर कौन रहेगा बिहार के लिए? बिहार के लिए तो जैसे मानसिक चमक रहा है तेजस्वी यादव का चिराग का, जैसे राइट यहाँ तो सब चिराग चिराग कर रहा है, कह रहा है कहने दीजिए, लेकिन ये कोई जैसे कुछ नहीं है। चिराग पासवान नहीं होंगे? नहीं, कोई कीमत पर नहीं होंगे। तेजस्वी यादव होंगे? ये तो हो करके गिराया गया इनको, हुआ हुआ है तो क्लियर है, क्लियर है। चिराग और तेजस्वी में बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है बिहार में? बेहतर आप जो जीतेगा, जिसको वोट मिलेगा वही ना जीतेगा। आप पसंद किसको कर रहे हैं? पसंद तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव जी, चिराग पासवान नहीं? नहीं, चिराग से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या रहेगा, किसी को कोई दिक्कत रहता है? मतलब आप चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी क्या बोल रहे हैं? चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिल्म सिटी खुलेगा राजगीर में, अब पार्ट टू निकलेगा, लहरों की कटुआ छमक छलो रानी वाला गाना पार्ट टू बनेगा, समझ गए? दिक्कत नहीं है, काहे नहीं दिक्कत है? एक समय में रामविलास जी चाबी लेके भागे थे दिल्ली, और ये बेटा कर रहा है हनुमान बन के घूम रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला तेजस्वी यादव के साथ। सब कर नौवीं फेल है जी, नौवीं चौथी फेल प्रधानमंत्री बन सकता है तो नौवीं फेल काहे नहीं मुख्यमंत्री बन सकता है? चौथी फेल जब प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय बेचे वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो काहे नहीं नौवीं फेल बन सकता है मुख्यमंत्री? मतलब चाहते हैं कि चिराग नहीं बने, तेजस्वी तेजस्वी बने। हाँ, मतलब आपको चिराग से दिक्कत है? चिराग सर देखिए, चिराग जो है तीन चार पुस हम लोग का बाप दादा की उम्र में चिराग चलता था, ठीक है ना? आप चिराग का जरूरत नहीं है, आप लालटेनों का जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं लालटेन, अभी आंधी आ जाएगा तो लालटेन से। देखिए, अगर जवानी जीना है तो साइकिल से स्कूल जाना, हाथ से लिखना और लालटेन से पढ़ना, ये तीनों बहुत जरूरी है, ये तीनों को लाना है, तीनों को लाना है, तीनों को लाना है। चलिए और लोग और जनता से पूछते हैं, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, ये दोनों में किसको मुख्यमंत्री रखना चाहती हैं? चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के, जे बढ़िया काम करेगा गरीब का, जे जनता के काम करेगा, उसी के हम लोग जिताएंगे, तेजस्वी यादव के। हाँ, क्योंकि वो जनता के लिए सोच रहा है। चौथी फेल प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हमारे। आप चाय बेचने वाले, आप बोलिए। कभी देखे हैं फेक सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं? डिबेट करवाइए तो रमेश कुमार के साथ, चाहे छोड़िए रमेश कुमार, हमारे राहुल गांधी से डिबेट करवा दीजिए, पता चल जाएगा कि कौन पप्पू है कौन पप्पू नहीं है। सुनिए, आप बोलिए। जो भाई आटे को लीटर में बेचेगा, दूध को किलो में बेचेगा, उससे क्या मोदी जी अपना? जो आलू से सोना निकालेगा वो कहाँ गया? आलू से सोना बनाएगा हमारे मोदी जी?
आलू से एक चीज बताइए, हमको एक चीज बताइए, चौथी फेल जो बात बोले हैं इस चीज को हमको प्रूफ दिखा सकते हैं, चौथी फेल है मोदी जी, मोदी जी चाय बेच के प्रूफ दिखा सकते हैं, जो आप लोग बोलते हैं कि मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बने। राजद सरकार का इतिहास आप भी जानते हैं, पूर्व में बहुत उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी तेजस्वी साहब आए, थोड़ा सा काम अच्छा किए, नौकरी बांटे, मैं बहुत पर्सनली बहुत खुश हुआ उनसे, मुझे लगा कि राजद का जो स्तर काफ़ी ऊँचे बढ़ रहा है, लेकिन फिर इधर सुनने में आया कि नीट का जो एग्जाम में धांधली हुआ उसमें उनका ही कुछ नेता लोग का कुछ वो मुखिया उखिया का उसमें वो रहा। तेजस्वी चिराग में बेहतर कौन लग रहा है? अब तो हम चिराग पासवान को ही सपोर्ट करेंगे। क्या कहिएगा? हम तो तेजस्वी पासवान यादव का सपोर्टर हैं। तेजस्वी यादव, तेजस्वी आना चाहिए, विकास करेगा, अच्छा है, युवा नेता है, अच्छा काम रहेगा इनका। चिराग पासवान क्या दिक्कत है? चिराग पासवान वो तो पापा के नाम पर वो सारा सीट लाए हैं, वो अपने सरकार के देख रहे हैं। तेजस्वी यादव भी लालू यादव के नाम पर जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव फिर भी युवा नेता है, अच्छा है, युवा नेता अच्छा। हाँ अच्छा। चलिए तो तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आप लोगों ने सुना, कई लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान को हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आखिर 2025 का मुख्यमंत्री कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। इनकी बातों को आप लोगों ने सुना, इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।